हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12 खड़ी। ओके, तो हमने पहले वाले वीडियो में जिस तरह से 12 खड़ी पढ़ाया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। टॉमिया की मात्रा टा, टॉ में हर्षई की मात्रा टी, टॉ में दीर्घई की मात्रा टी, टॉ में हर्षऊ की मात्रा टू, टा में दीर्घई की मात्रा टू, टा में ए की मात्रा टे, टा में अ की मात्रा टे, टा में ओ की मात्रा टो, टा में औ की मात्रा टौ, टा में अन की मात्रा टन, टा में अह की मात्रा टह। तो हमें इसको इस तरह से पढ़ना है। ओके, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ पढ़ने के लिए, इस तरह से पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठा में आ की मात्रा ठा, ठा में हर्ष ई की मात्रा ठी, ठा में दीर्घ ई की मात्रा ठी, ठा में हर्ष ऊ की मात्रा ठू, ठा में दीर्घई की मात्रा ठू, ठा में ए की मात्रा ठे, ठा में अ की मात्रा ठे, ठा में ओ की मात्रा ठो, ठा में अ की मात्रा ठौ, ठा में अन की मात्रा ठन, ठा में अ की मात्रा ठ। तो आप भी मेरे साथ साथ इसे दोहराइए। ड ड ड में आ की मात्रा डा, ड ड में हर्षई की मात्रा डी, ड ड में दीर्घई की मात्रा डी, ड ड में हर्षऊ की मात्रा डू, ड ड में दुर्गऊ की मात्रा डू, ड ड में ए की मात्रा डे, ड ड में ए की मात्रा डे, ड ड में ओ की मात्रा ड, ड ड में अन की मात्रा डन, ड ड में अ की मात्रा ड। ढ ढ ढ में आ की मात्रा ढा,
ढ, ढ में हर्षेय की मात्रा ढी, ढ ढ में दीर्घ की मात्रा ढी, ढ ढ में हर्षेय की मात्रा ढू, ढ ढ में दीर्घ की मात्रा ढू, ढ ढ में ए की मात्रा ढे, ढ ढ में ए की मात्रा ढे, ढ ढ में ओ की मात्रा ढो, ढ ढ में ओ की मात्रा ढौ, ढ ढ में अन की मात्रा ढन, ढ ढ में आ की मात्रा ढा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। त, त में आ की मात्रा ता, त त में हर्षेय की मात्रा ती, त त में दीर्घ की मात्रा ती, त त में हर्षेय की मात्रा तू, त त में दीर्घ की मात्रा तू, त त में ए की मात्रा ते, त त में अ की मात्रा तय, त त में ओ की मात्रा तो। जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ बच्चों, उसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। त त में ओ की मात्रा तो, त त में अन की मात्रा तन, त त में अह की मात्रा त। अब आगे बढ़ेंगे। थ, थ थ में अह की मात्रा था, थ थ में हर्षेय की मात्रा थी, थ थ में दीर्घ की मात्रा थी, थ थ में हर्षेय की मात्रा थू, थ थ में दीर्घ की मात्रा थू, थ थ में ए की मात्रा थे, थ थ में अ की मात्रा थे, थ थ में ओ की मात्रा थो, थ थ में ओ की मात्रा थो, थ थ में अन की मात्रा थन, थ थ में अ की मात्रा थ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए, द, द द में आ की मात्रा दा, द द में हर्षेय की मात्रा दी, द
द में दीर्घ ई की मात्रा दी, द में ह्रस्व उ की मात्रा दू, द में दीर्घ उ की मात्रा दू, द में ए की मात्रा दे, द में ऐ की मात्रा दे, द में ओ की मात्रा दो, द में ओ की मात्रा दो, द में अन की मात्रा दन, द में अह की मात्रा दह। आगे बढ़ेंगे। ध द में आ की मात्रा धा, धा में ह्रस्व ई की मात्रा धी, धा में दीर्घ ई की मात्रा धी, धा में ह्रस्व उ की मात्रा धू, धा में दीर्घ उ की मात्रा धू, धा में ए की मात्रा धे, धा में ऐ की मात्रा धे, धा में ओ की मात्रा, आप बताओ मुझे, धो, धा में ओ की मात्रा धो, धा में अन की मात्रा धन, धा में अ की मात्रा ध। ओके, आगे बढ़ेंगे। न में आ की मात्रा ना, न में ह्रस्व ई की मात्रा नी, न में दीर्घ ई की मात्रा नी, न में ह्रस्व उ की मात्रा नू, न में दीर्घ उ की मात्रा नू, न में ए की मात्रा ने, न में ऐ की मात्रा नए, न में ओ की मात्रा नो, न में ओ की मात्रा नौ, न में अन की मात्रा न, ना में अह की मात्रा न। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आप भी इसे क्या करोगे, दोहराओगे। ठीक है, प में आ की मात्रा पा,
प, प में हर्षेय की मात्रा पी, प, प में दीर्घ की मात्रा पी, प, प में ह्रस्व उ की मात्रा पू, प, प में दीर्घ उ की मात्रा पू, प, प में ए की मात्रा पे, प, प में ए की मात्रा पै, प, प में ओ की मात्रा पो, प, प में ओ की मात्रा पौ, प, प में अन की मात्रा पन, और लास्ट है क्या, प, प में अ की मात्रा प, प में अ की मात्रा प। तो अगर आपको अच्छे से ये याद हो जाता है तो आप क्या करोगे, ये क्या है, मात्रा है, क्या है, अगर अ से अह तक आपको मात्रा अच्छे से याद हो जाता है तो आप ये बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें अ से अह तक की जो मात्रा होती है वो याद कर लेना चाहिए, जैसे कि हम उसे कहते हैं स्वर वर्ण। ओके, तो हमें उसमें बहुत सारी मात्रा होती है, जैसे कि ट, ट, ट में आ की मात्रा टा, जैसे आ, ट, ट में हर्षेय की मात्रा टी, जैसे कि ई। इस तरह से आप पढ़ेंगे अ की, अ स्वर वर्ण आपको याद हो जाएगा तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओके,